दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आनंद तिवारी हैं और हमारे साथ मानव है। मानव, हमने सुनीता केजरीवाल का ट्वीट भी सुना और वो उनसे जब कल भी सवाल पूछा गया कि क्या वो जेल के अंदर से ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे, जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के अंदर पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तब उनसे मीडिया ने पूछा था कि क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है, मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं मैं अपना काम करता रहूंगा। और इसी लाइन पर एक ट्वीट उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी कल शाम को किया था, जिसमें वो कह रही है कि जनता के चुने हुए व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा है और उनका जीवन देश को समर्पित है। तो यानी दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी लोगों की एक तरीके से अपने और उसको गेन करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की लगातार है ही, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चोट पार्टी को भी लगी है, परिवार को तो लगी ही है, क्योंकि परिवार का एक सदस्य अगर कस्टडी में रहेगा तो तमाम भावुक जो चीज़ें होती हैं वो हमारी जो भावुकता होती है वो निकल के बाहर आती है। तो इसके साथ साथ एक बड़ी बात मैं भी बता दूं, आतिशी ने अभी एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मनी ट्रेल को लेकर 10 बजे आम आदमी पार्टी एक बड़ा खुलासा करेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी करने जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जसप्रीत की, आम आदमी पार्टी ये खुलासे की बात कर रही है। हालांकि जो संभावना है वो इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि ईडी मामले में मनी ट्रेल का जिक्र होता है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास 45 करोड़ रुपए पहुंचे, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा। तो संभवतः आम आदमी पार्टी इसमें ये बताने की कोशिश कर सकती है कि जो लोग सरकारी गवाह बने हैं इस मामले में उनके जरिए उनकी कंपनियों द्वारा किस तरीके से पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड की रूप में पार्टियों तक पहुंचाया गया, तो इन आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी एक नया मोर्चा आज खोल सकती है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। हमारे साथ आनंद भी मौजूद है। आनंद, एक बार फिर से वही सवाल टेक्निकलिटीज का, अब आप ये बताइए क्योंकि पूरा देश यही जानना चाहता है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या कानूनी विकल्प हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है, उनके लिए बाहर आ पाना कितना मुश्किल है या फिर नामुमकिन नजर आता है? देखिए, नामुमकिन तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कानून में नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उनके पास अभी कानूनी विकल्प हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फिर से रुख कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अरविंद जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था ईडी ने, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप एक बार याचिका लगा देते हैं और उसे खारिज कर दिया जाता है तो फिर आप एक महीने तक फिर से अपील नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया जो है उन्हें राहत नहीं मिली है और वो जेल के अंदर ही बंद हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड 28 तारीख तक की है, उसके बाद जब ईडी उन्हें फिर से कोर्ट में पेश करेगी तो वो क्या ग्राउंड रखती है कि इस पूछताछ के दौरान क्या क्या चीज़ें खुल के सामने आई हैं, क्या क्या और खुलासे हुए हैं, क्या मनी ट्रेल की जानकारी ईडी के हाथ लगी, और उस पर वो फर्दर आगे जो है वो ग्राउंड बनाएगी कि किस ग्राउंड पे आगे और जो है वो मनीष सिसोदिया की जो माफ करिए अरविंद केजरीवाल की कस्टडी लेना है। लेकिन जसप्रीत, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज जो केक कविता है उनकी रिमांड खत्म हो रही है ईडी की, और आज उन्हें दोपहर तक जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज क्या कुछ खुलासे करेगी ईडी की केक कविता ने, पूछताछ में क्या कुछ बताया इसी ईडी हेडक्वार्टर के एक लॉकअप में जो है वो केक कविता भी अंदर है और उनसे भी कल लंबी पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारियों ने की है, तो फर्दर के कविता की भी आगे रिमांड की ईडी मांग कर सकती है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल से उनका आमना सामना कराना है और देखना होगा कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल को लेके क्या कुछ बयान जो हैं वो अब ईडी के सामने दिए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे और जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आनंद महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि ईडी खुलासा करेगी और इसमें के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठा करके पूछताछ होगी, ये बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट जो मानव ने दिया कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और मनी ट्रेल को लेकर के आम आदमी पार्टी बड़े खुलासे करने वाली है, इस पर न्यूज 18 इंडिया की नजर रहने वाली है। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 21 मार्च से केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में कानून का राज है, इसीलिए अपराधी किसी पद पर भी हो वो बच नहीं सकता है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं और इस तरीके की आवाज जब उठती है तो क्रांतियां आती हैं, सरकारों के तख्त जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए, केंद्र सरकार की उल्टी गिनती, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से शुरू हुई। दिल्ली के मालिक को ये अहंकार था कि मैं कानून से ऊपर हूँ, इसलिए कल वो कोर्ट में सौदेबाजी कर रहे थे कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे 2 महीने की मोहलत दी जाए। लेकिन मैंने कहा, इस देश में कानून का शासन है,
कानून अपना काम कर रहा है और हर आरोपी हर अपराधी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है, ये आज साबित हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं शीघ्र ही अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले का, शराब नीति घोटाले का सारे पर्दे खुलेंगे, सच सबके सामने आएगा, इसकी हमें उम्मीद है।